और 18 तारीख को हमारी शोभा यात्रा निकलेगी गणगौर माता की और जटाधारी बाबा की। और 19 तारीख को हमारे यहाँ राती जगह का प्रोग्राम होता है, सुबह भी राती जगह होता है और फिर हमारे यहाँ जटाधारी बाबा आज 50 सालों से बैठते हैं गली में। 3 दिन हमारे यहाँ गीत होते हैं, सब लेडीज मंगल गीत गाती है जटाधारी बाबा के। और 18 तारीख को हमारी शोभा यात्रा निकलेगी गणगौर माता की और जटाधारी बाबा की। और 19 तारीख को हमारे यहाँ राती जगह का प्रोग्राम होता है, सुबह भी राती जगह होता है और फिर बाद में भी राती जगह होता है। उसके अंदर मेहंदी लच्छे का वितरण किया जाता है। सब समस्त पूरा अजमेर शहर हमारे यहाँ दर्शन करने के लिए आता है बाबा का और लच्छा और मेहंदी लेकर जाते हैं। आज हमारे यहाँ शुरू में बाबा को बैठाया है और हम लोग मंगल गीत गा रहे हैं। 4 दिन तक गाएंगे ये 4 दिन तक। मेरा नाम सुनीता गोयल है और मैं सराफा पोल में रहती हूँ। हमारे यहाँ सराफा पोल के अंदर जटाधारी बाबा का प्रोग्राम है आज और ये 3 दिन चलता है। चौथे दिन सवारी निकलती है और 11 को मेहंदी लच्छा बढ़ता है। हमारे यहाँ पे प्रसाद वितरण होता है, महिलाएं मंगल गीत गाती है, राती जगह लगता है। ये सवारी हमारी बरसों से चली आ रही है, ये परंपरा बरसों से चली आ रही है। आज बाबा का श्रृंगार किया गया है और मंगल गीत गाए जा रहे हैं। उसके बाद प्रसाद वितरण होगा सराफा पोल के अंदर। नाम श्री गोपाल अग्रवाल। भैया ये श्री जागेश्वर महादेव मंदिर सेवा समिति की तरफ से सराफा पोल नया बाजार घिमंडी में स्थित है मंदिर। इस मंदिर के तत्वाधान में बरसों पुराने 125 साल पुरानी ये परंपरा है। बाबा गणगौर माता और जटाधारी बाबा की सवारी निकाली जाती है। 6 सुदी 10 को सवारी निकलती है और 6 सुदी 7 को बाबा बाहर अपने गर्भगृह से बाहर आता है और भक्तों को दर्शन देता है। उसी तत्वाधान के अंदर आज 7वीं के दिन बाबा का नैनाभिक श्रृंगार किया गया है जटाधारी बाबा का और सराफा पोल के अंदर बाबा को विराजमान किया गया है भक्तों के दर्शन के लिए। अभी आस पड़ोस की महिलाएं बाबा के मंगल गीत गा रही है और कुछ ही समय बाद बाबा के मंगल गीत पूर्ण होने के बाद यहाँ पे बाबा का प्रसाद बांटा जाएगा। 18 तारीख को 6 सुदी 10 के दिन बाबा की भव्य शोभा यात्रा निकलेगी जो सराफा पोल से प्रारंभ होकर होलीदड़ा, कड़क्का चौक, नया बाजार, आगरा गेट, श्री गणेश जी के मंदिर पे यहाँ पे विराजमान होगी और वहीं से वापस पुणे विश्राम करने का पुणे वहाँ से रवाना होकर जो आगरा गेट, नया बाजार, घिमंडी होते हुए वापस सराफा पोल में आएगी। और 19 तारीख को सुबह यहाँ पे 7 बजे से बाबा का राती जगह का कार्यक्रम रहेगा। इसके अंदर महिलाएं दूर दूर से आती है और महिलाएं गीत गाती है मंगल गीत और बाबा का मेहंदी लच्छे का सुहाग की निशानी के रूप में प्रसाद बांटा जाता है। और दोपहर 1 बजे बाद बाबा का प्रसाद यहाँ बांटा जाएगा और उसके बाद बाबा वापस अपने गर्भगृह के अंदर विराजमान होंगे। बाबा का दर्शन का समय रोज 17 तारीख से लेके 15 तारीख से लेके 17 तारीख तक 7 बजे से लेके रात्रि 10 बजे तक यहाँ पे बाबा का दर्शन का समय रहेगा। 18 तारीख को भव्य जुलसा है जो शाम 7 बजे प्रारंभ होगा और सुबह 4 बजे तक चलेगा। और 19 तारीख को सुबह पूरे दिन 12-1 बजे तक बाबा के दर्शन यहाँ पे रहेंगे। अलग अलग श्रृंगार आज अभी बाबा के साथ में हमारे यहाँ पे तोते विराजमान है। और 18 तारीख को बाबा के साथ हमारी माताजी गणगौर माता निकलेगी और 11 के दिन जो बाबा यहाँ विराजमान होंगे साथ में गणगौर माता रहेगी, उसका नैनाभिक श्रृंगार देखने को मिलेगा। संदीप गोयल, सराफापुर में।